हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते। हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिल्म जगत की हस्तियों से मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से एक भावुक अपील कर दी, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। सुनील शेट्टी की इस भावुक अपील पर जैकी श्रॉफ भी उनकी पीठ थपथपाते दिखे। दरअसल सुनील शेट्टी पिछले दिनों से चल रहे बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड से आहत दिखे। उन्होंने सीएम योगी से कहा कि आपके कहने भर से बॉलीवुड में बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म किया जा सकता है। इंडस्ट्री में हर कोई दिन भर ड्रग्स नहीं लेता, हमारे ऊपर जो कलंक लगा है वो हटाना जरूरी है। ये कहते कहते सुनील भावुक भी हो गए। साथ ही कहा कि आप प्रधानमंत्री से भी कहिए कि बॉयकॉट बंद करा दें, ऑडियंस को वापस थिएटर में बुलाना बहुत जरूरी है। आप खुद ही सुनिए सुनील शेट्टी ने सीएम योगी से क्या कहा। कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी के इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। सुनील शेट्टी की इस भावुक अपील के कारण सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ भी हो रही है। साथ ही जैकी श्रॉफ ने भी उनकी सभी के सामने पीठ पर हाथ फेर कर समर्थन दे दिया। यही कि एक स्टेट, यूपी जैसा स्टेट अगर साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर यूपी के लोग माने कि ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं, एक घर में भी, एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है, उसे सुधारना, न कि उसे उस रास्ते पे आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। यूपी सिर्फ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है एंड इट इज़ द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें, मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है और मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए, भारत के लिए भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।